वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके सामने YouTube के कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग YouTube पे अपना नया चैनल शुरू करने वाले हो तो YouTube पे वीडियोस बनाने के अलावा और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे YouTube के ऊपर दो चैनल हैं। एक चैनल तो जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर गिनती के 500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसके अलावा मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिस पर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उस चैनल पे मैं 300 से ज़्यादा वीडियोस डाल चुका हूँ। तो जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे ये चीज़ें कोई अलग नहीं हैं, बहुत ही बेसिक हैं, बट ये सबसे ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके कारण आपके चैनल पर आपकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो सकती हैं, उन पे एंगेजमेंट और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो जो सबसे पहले आपको YouTube पे अगर आना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक प्रोफेशनल कैमरा हो स्टार्टिंग में। अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका बजट है कि आप 50,000 का एक कैमरा बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल से ही वीडियोस को शूट करें स्टार्टिंग में। क्योंकि होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक महीना दो महीने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस लाइन में नहीं जाना, मुझे इसे नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में अपने मोबाइल फ़ोन से या जो भी चीज़ें आपके पास हैं उससे ही आप वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में और आपको अपनी निश के बारे में पता चलेगा, और आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि यस, मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या मुझे किसी और एंगल में जाना है, राइट। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्टेंट के ऊपर फोकस करें। जो भी आप लोगों को वैल्यू शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे 800-900 रुपये का माइक आ जाता है बोया का। एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप काइन मास्टर चला सकते हैं, इसके अलावा प्ले स्टोर में और बहुत सारे ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप वीडियोज़ को बहुत ही आराम से अपने मोबाइल से एडिट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका कॉन्टेंट। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, उसमें कोई वैल्यू है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जो चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसे और अच्छे से सीख कर आप उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं, राइट। या फिर दूसरी चीज़ आप इसके अलावा और कर सकते हैं कि जो भी चीज़ मार्केट में आपको कोई गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप उस गैप को फिल कर सकते हो, आप उसका सोल्यूशन बन सकते हो, तो अगर आप ऐसा भी YouTube पे कुछ करते हो तो उससे भी आपकी एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट। इसके अलावा आपको जैसे माइक के बारे में बताया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो कंटेंट जो है वो उस सबसे ज़्यादा कंटेंट मायने रखता है। अब कंटेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी मायने रखती हैं, जैसे कि आपकी वीडियो का थंबनेल है, वो थंबनेल कितना प्रोफेशनल है, कितना अच्छा है, थंबनेल कितना अच्छा है, कितना प्रोफेशनल है, ये बहुत मायने रखता है। करंटली मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो थंबनेल हैं या तो मैं कैनवा से बनाता हूँ या मैं पिक्सल लैब से बनाता हूँ। ये दो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिससे मैं करंटली अपने थंबनेल बना रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है और आप अडोबी फोटोशॉप से और भी अच्छे जो थंबनेल हैं वो बनते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी तरीके से अपने थंबनेल बनाते हैं, उनकी क्वालिटी और भी ज़बरदस्त होती है, राइट। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ध्यान से आप लिखें। उसमें आप अपने जो भी आपके अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, जहां भी हैं, आप उनके लिंक जो हैं वो आप दे सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर जो आपके YouTube चैनल का नेम है, कोशिश कीजिए कि वही आपके Instagram पेज का नाम हो, वही आपके Facebook पेज का नाम हो और वही आपके Twitter अकाउंट का नाम हो, ठीक है। और वो दिखने में बहुत ही सरल लगते हैं, सिंपल लगते हैं, और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर कोई YouTube पर है, आपका चैनल देखता है कि ये इस नाम से है, तो जब वो आपको Facebook पे जाके सर्च करेगा डायरेक्टली तो आपका अकाउंट मिल जाए, राइट। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक ही नाम से आपका अकाउंट हो, और नाम कुछ ऐसा रखिए जो सिंपल हो, सरल हो, उसके स्पेलिंग किसी को गूगल ना करने पड़े, ढूंढने ना पड़े, पूछने ना पड़े, राइट।
सो कुछ इस तरीके से आप अपने चैनल का नाम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दे सकते हैं जो भी आपके हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो में आप बताने वाले हैं उसके बारे में आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि आप इस वीडियो में क्या कंटेंट बताने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक टैग्स की ऑप्शन मिलती है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो जो भी YouTube के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, आप Samsung के मोबाइल सर्च करते हो, तो जो भी Samsung के मोबाइल सबसे पहले सर्च इंजन में आते हैं उसी से रिलेटेड, उसी से मिलते जुलते जो टैग्स हैं वो आपको वहाँ पर यूज़ करने चाहिए। जैसे Samsung मोबाइल है तो उससे रिलेटेड उसके टैग्स होंगे। जैसे पर्टिकुलर आप किसी मॉडल नेम को सर्च कर रहे हैं, जैसे Canon 200D है, तो Canon 200D के जो भी टैग्स हैं उसके लिए एक वेबसाइट है keywordstool.io। ये एक फ्री टूल है, वैसे तो ये पेड भी है बट आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाकर टैग्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो लगे, अनुमानन जो लगे कि हाँ ये टैग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन टैग्स को आप अपनी वीडियोस में ज़रूर यूज़ करें, राइट। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए करंटली मैं काइनमास्टर यूज़ कर रहा हूँ। काइनमास्टर से नेक्स्ट स्टेप जो मैं लेना चाहूँगा वो मैं प्रीमियम प्रो या फिर फाइनल कट प्रो, दोनों में से मैं कुछ एक डिसाइड करूँगा, राइट। और अगर आप कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में ही चीता बनना चाहते हो तो आप इन दोनों में से कुछ एक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फाइनल कट प्रो या फिर प्रीमियम प्रो। बट अगर आपके पास अभी इतना बजट नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, राइट, आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप मेरी तरह मोबाइल से भी अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, जैसे काइनमास्टर है, ठीक है, या फिर लैपटॉप में एक और सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, आप उसे डाल सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। अगर आप टैग्स यूज़ नहीं करते, आपकी वीडियो जो है वो आपको उतनी एंगेजमेंट नहीं दे पाएगी जितना वो दे सकती हैं। डिस्क्रिप्शन को लिखिए, ठीक है, टैग्स डालिए, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा फोकस कंटेंट पे कीजिए। और थंबनेल जो है वो एक तरीके से आपकी वीडियो का पहरावा है। जो सबसे पहला कोई इंप्रेशन पड़ता है वो थंबनेल का पड़ता है, तो थंबनेल को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लिकबेट को ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं बट ठीक है, मैं इसको ना मैं अच्छा कहना चाहूँगा ना मैं बुरा कहना चाहूँगा, बट वो आपके ऊपर है कि आप उसे यूज़ करना चाहेंगे नहीं। अब क्लिकबेट क्या होता है ये अलग मसला है, आप इसे YouTube कर सकते हैं। और जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं इन्हें भी आप YouTube पे जाकर ज़रूर सर्च कीजिएगा कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स की क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है YouTube के ऊपर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के बारे में आप बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में सीख सकते हैं, टाइटल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कॉन्टेंट पर फोकस करेंगे, तो आपका कॉन्टेंट डेफिनेटली ग्रो होगा, ठीक है। मैं मोनेटाइज की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा वैल्यू की जो आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। एंड धीरे धीरे आपका जो चैनल है वो ग्रेजुअली आप देखेंगे वो ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ेगा, राइट। और इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है वो मेरे लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, वो दुनिया के लिए हो सकता है इतना सक्सेसफुल ना हो बट मेरे लिए वो चैनल काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ से मुझे लीड्स मिलती हैं, वहाँ से मुझे सेल्स मिलती है, वहाँ से मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और मेरे लिए वो एक प्रोडक्टिव है, राइट। चाहे मैंने गूगल एडसेंस से वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं कमाया बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, और एडसेंस भी अभी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज है, तो धीरे धीरे सारा कुछ सही होता जा रहा है और मैं इन चीज़ों से खुश हूँ। और सेटिस्फाई तो आपको पता है कोई भी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी हो जाए, राइट। सो मेरा इस वीडियो को बताने का थीम आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप अपनी ऑडियंस को क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। टाइटल्स का ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखिए, टैग्स ज़रूर डालिए। वीडियो एडिटिंग जो है वो आपको बता दिया, फिल्मोरा है, मोबाइल में प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना काइनमास्टर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप अपने चैनल को शुरू कर सकते हैं, राइट। जिस चीज़ में आप मास्टर हैं, जिस चीज़ के आपके पास स्किल्स हैं, आप उसके बारे में वीडियोस बना सकते हैं, या कोई मार्केट में किसी चीज़ का गैप है उसे पकड़ कर आप लोगों के सामने उसका सोल्यूशन बनकर सामने आ सकते हैं, या फिर बेसिक
वीडियो बना सकते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे चेक कैसे भरते हैं, राइट, बैंक में अकाउंट ऑनलाइन कैसे खुलता है, ठीक है, कौन सा बैंक कितना FD इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है आप उसका वीडियोस बना सकते हो, आपको जो आता है आप वो आप यूट्यूब के ऊपर कर सकते हो, राइट। और पर्सनल ब्रांड तो आपको पता है कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या जो भी आप दिखाना चाहते हो पब्लिक को, अगर आप वही चीज़ें करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वो भी एक पर्सनल ब्रांड के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है, राइट। तो सोशल मीडिया की पोटेंशियल यही है कि एक बार जो चीज़ आपने बनाकर इसको सोशल मीडिया पे डाल दी, वो 24/7 वहाँ पर एक्टिव रहती है, उसे जब चाहें लोग अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के मुताबिक आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यही पावर है। और इसके अलावा सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आना चाहते हैं देन आइए, अपने आप को दिखाइए, अपने टैलेंट को दिखाइए, अपने स्किल्स को दिखाइए, एंड तरक्की जो है वो धीरे धीरे आपको ज़रूर मिलेगी। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।